कल सायंकाल सत्र में सांख्य दर्शन के कुछ प्रारंभिक बातों पर विचार किए थे। आज पहले सांख्य दर्शन का कुछ शेष भाग का संक्षेप विचार करके फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम सांख्य के सृष्टि प्रक्रिया में भूत सृष्टि और बौद्धिक सृष्टि दोनों के बारे में बताए थे। सृष्टि दो विध है, दो प्रकार है, इसमें भूतों की सृष्टि भी है और भौतिक सृष्टि भी है। उनमें भूत सृष्टि के संबंध में क्रम बताया था। पहले प्रकृति है, प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राओं से पंचभूत की उत्पत्ति और पंचभूतों से बाकी सब चराचरों की उत्पत्ति। ये भूत सृष्टि है। अब कुछ साधन भी है जो हम जानना है इस सांख्य के दृष्टि से। वैसा तो सांख्य संबंधी साधन का विस्तार ही योग दर्शन है, जिस पर हम प्रातःकाल विस्तार से विचार कर ही रहे हैं, सभी कुछ उसमें आ जाएगा। किंतु सांख्य ने अपने तरफ से भी कुछ साधन और कुछ विघ्न इत्यादि के बारे में कहा है। तो सबसे प्रथम सांख्य की दृष्टि से साधन ज्ञान ही है, विवेक है, क्योंकि पहले से लेके उनका वही है कि ज्ञान के आधार पर ही सब कुछ होना चाहिए ऐसा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जो सहायक साधन होगा उनको साधन माने हैं, तो अभ्यास वैराग्य आदि सभी साधन माने हैं। और ज्ञान विचार करते समय जो जो विघ्न आएगा उनको निवारण भी करना है। इसमें कुछ बातें जो है यहाँ जो विचार किया आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा, उन बातों को मैं बताऊंगा। पहले कहा था कि सांख्य तीन प्रकार के प्रमाण मानते। तीन प्रकार के प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण उनका है। तो प्रत्यक्ष से हम जिस प्रत्यक्ष को जानते हैं वही प्रत्यक्ष लिया है, इंद्रियादि विषय सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष। अनुमान भी वही है, हेतु के माध्यम से साध्य को अनुमान करना, यानी कोई लक्षण आपको मिल गया उस लक्षण से लक्ष्य को जान लेना, कार्य से कारण का अनुमान करना इत्यादि। जैसे पानी बहुत आ गया नदी में तो ऊपर वर्षा ज़्यादा हो गई है, हम वर्षा को नहीं देखे तो भी अनुमान करके जान सकते, ये तो सामान्य है। ये अनुमान के बारे में तो न्याय दर्शन में बहुत विस्तार किया है, न्याय दर्शनकारों का पूरा शास्त्र ही अनुमान पर आधारित है, तो वहाँ हम उसका विस्तार करेंगे। और फिर है आप्तवचन, जिसको हम शब्द प्रमाण मानते हैं। तो ये शब्द प्रमाण के अंदर वेद भी आता है, स्मृतियाँ भी आती है और शिष्ट लोगों का वचन भी आता है, गुरु लोगों का वचन भी आता है। तो इन सबको
ज्ञान के लिए साधन रूप में सांख्य मानते हैं। और कहते हैं कि ये साधन होने पर भी अधिकारी भेद से कुछ तारतम्य दिखाई पड़ता है। हमको हर बात में अधिकारी का भेद मानना ही पड़ेगा। जैसे प्रातःकाल में कहा, इसी प्रकार यहाँ भी है, अधिकारी त्रैविध्यात् न नियमः, ऐसा कहा कि तीन प्रकार के अधिकारी होने से श्रवण काल में ही ज्ञान हो जाएगा, ये बात नहीं है। श्रवण के बाद में मनन, चिंतन, अभ्यास इत्यादि भी करना पड़ता है, ऐसे साधन को वो मानते हैं। तो अब ये साधन करने के बाद में इन प्रमाणों के द्वारा क्या निश्चय करना है? निश्चय तो यही है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है, यही निश्चय करना, और कुछ प्राप्त करने की बात ये नहीं करते। ये सांगे की विशेषता है। यहाँ तक कि सांगे कहते हैं मोक्ष में भी कुछ प्राप्त नहीं होता, मोक्ष में सुख नहीं है, ऐसा कहने वाला एक बात ही है। सांख्य बोलते हैं मोक्ष में भी सुख नहीं है। मोक्ष अपना स्वरूप है, अपने आत्मा में आनंद रूप से रहना है, यही मोक्ष है, इसमें कोई सुख की बात कुछ नहीं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि सुख को सांख्य सत्व गुण का विकार मानते हैं। जब सत्व की वृद्धि होती है तभी सुख होता है। सत्व गुण तो हमने कल सुना प्रकृति का ही स्वरूप है, यानी सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, साम्यावस्था प्रकृति है, तो तीन गुण तो प्रकृति का स्वरूप है। इसीलिए मोक्ष में यदि सुख है कहेंगे तो फिर प्रकृति को वहां भी मानना पड़ेगा, फिर विवेचन नहीं हुआ ऐसा बोलना पड़ेगा। विवेचन होने के बाद में फिर वो नहीं होना चाहिए वहां। इसीलिए प्रकृति पुरुष का अलग करने मतलब सत्व रजस तमस एक तरफ जाता है और आप अलग हो जाते। गुणातीत उच्यते, गीता में कहा ना गुणत्र विभाग, तो वो गुणातीत हो जाता है। अब गुणातीत के स्थिति में कोई सुख मानना भी ठीक नहीं है, एक युक्ति ये देते हैं। दूसरे युक्ति ये कहते हैं कि आत्मा तो चेतन है, चेतन आत्मा का स्वरूप है, तो चेतन चैतन्य आत्मा है और उसके साथ में चैतन्य के साथ में आनंद सुख इत्यादि भी मानना ठीक नहीं होगा। क्योंकि एक वस्तु में दो दो गुण मानने से उसमें अवयव मानना पड़ेगा, दो गुण कैसे उसमें बैठेगा ऐसा कुछ आपको कल्पना करनी पड़ेगी। हम तो आत्मा को एक रूप में मानते हैं, चैतन्य रूप से एक है, वो सर्वव्यापक है, अनादि नित्य है। प्रकृति और पुरुष दोनों सांख्य के सिद्धांत में अनादि और नित्य है। ऐसे स्थिति में चैतन्य को छोड़ करके और कोई धर्म वहां नहीं मानना चाहिए। अब प्रश्न होता है हमारे श्रुतियों में आनंद स्वरूप आत्मा कहा, आनंदम ब्रह्मेति गजानादि इत्यादि में आनंद स्वरूप से आत्मा को कहा, तो फिर क्या क्यों ऐसा आनंद नहीं होता है क्या? बोलते हैं आनंद अलग कोई चीज नहीं है। जब दुख नहीं रहता है, जैसा कल कहा था त्रिविध दुख जो है उसका अत्यंत निवारण ही मोक्ष है, तो जब तीन प्रकार का दुख नहीं रहता है तब आपको जो अनुभव होता है वो आनंद सा आपको लगता है। आप कहते हैं आरोपित करके, वास्तव में तीन प्रकार का दुख नहीं होना इतना ही है वहां होता, और कुछ नहीं होता। ये स्वरूप के बारे में सांगे का ये कथन है, ठीक है। अब जो है गुणों के बारे में कल हमने बताया था, भावात्मक गुण है तो वो आप समझ गए। अब ये भावात्मक गुण मन में रहता है, बुद्धि में रहता है, उसी के साथ संबंध करके काम करता है। प्रश्न होगा कि ये जो विवेक होता है, विवेक, अब विवेक से तो ज्ञान होना है, ये स्वरूप स्थिति प्राप्त होनी है, विवेक ज्ञान कहा जाता है। अब ये विवेक प्रकृति का कार्य है कि ये चेतन का कार्य है, यानी पुरुष का कार्य है, किससे किसका लेना चाहिए? पहले तो ये कहते हैं कि पुरुष में चेतन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं, कोई मॉडिफिकेशन मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, तो विवेक भी पुरुष का धर्म नहीं है।
चेतन का धर्म नहीं है, वो भी प्रकृति का ही है। तो फिर मोक्ष में विवेक कैसे रहेगा? तब कहते हैं कि ऐसा होता है कि सत्व गुण अत्यंत निर्मल होने से, अत्यंत निर्मल शुद्ध सात्विक उसको कहते हैं, उनकी भाषा ऐसा है, शुद्ध सत्व गुण हो जाए, ऐसे अत्यंत निर्मल होने से उसके निकटता से दूसरे में आरोपित हो रहा। जैसे स्फटिक में, स्फटिक है क्रिस्टल, क्रिस्टल के सामने पास में पुष्प रहता है, पुष्प पास में है किंतु वो क्रिस्टल में है ऐसा दिखाई पड़ता है, रिफ्लेक्शन से एक जैसा दिखाई पड़ता है। क्रिस्टल को आप कभी लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे वो क्रिस्टल पूरा लाल जैसा दिखाई पड़ता है, किंतु क्रिस्टल कभी लाल नहीं हुआ है, वो अत्यंत सानिध्य के कारण वो लालिमा क्रिस्टल में रिफ्लेक्ट होकर के एक जैसा दिख रहा। ऐसा ही यहाँ भी होता है तो विवेक ख्यादि विवेक ज्ञान प्रकृति में है किंतु वो पुरुष में है ऐसा मान लिया जाता है, तो ये विभाग वहां निरंतर रहेगा क्योंकि प्रकृति नित्य है। जैसा हमने सुबह के कहा वो सत्ववृत्ति में चित्त का स्वरूप बना ही रहता है, तो ऐसा रहने के कारण वो हमेशा ही रहेगा, ऐसा रह के अपने स्वरूप में स्थित रहता है इत्यादि करके। अच्छा, अब जो है हम दो तीन बात पर इधर विचार करेंगे। एक अवांतर वृत्तियों के बारे में, जो बौद्धिक सृष्टि है उसके बारे में विचार करना। उसके पहले कल हम एक विशेष बात आपको सुनाए थे इंट्रोडक्शन में कि सांख्य काल को नहीं मानता, जैसा अभी सुख स्वरूप आत्मा नहीं है ऐसा मानता है, इसी प्रकार उनकी एक विशेषता है वो काल को दिक आदि को नहीं मानते। उसके लिए हमने एक सूत्र का उदाहरण भी आपको सुनाया था, दिक्कालव आकाशादिक्यः, ये सूत्र है। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्योंकि ये आपको योग सूत्र में भी काम आएगा, दोनों जगह एक ही जैसा है। ये काल काल जिसको हम कहते हैं, अब ये काल क्या चीज है आप विचार कर लो। काल तो एक तो महाकाल होता है जो सबको संहार करते हैं, कालोस मिलो गच्छय कृत प्रवृत्ता, ऐसे भगवान ने कहा, वो काल तो एक अलग है, ये पौराणिक काल है, पुराणों से जाने जाना जाता है जो काल, यमराज इत्यादि। और दूसरा काल है जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान काल, ये भी एक काल है। और घड़ी दे करके जिस समय को निश्चय करते हैं ये भी एक काल है, काल चला गया समय चला गया ये बोलने के लिए काल। किंतु अब ये काल क्या है ये विचार करने पर ही हम ये समझ सकते हैं। इसमें क्या है, इसके साथ कल हमने कहा था ना वो आइंस्टीन की जो थियोरी है ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ, दोनों एक ही है, बहुत कम अंश में अंदर है इनके दोनों की थियोरी। ये आपको जानने से बहुत अद्भुत होगा कि ये कितने साइंटिस्ट थे ये सांख्य, ये जानने के लिए ऐसा तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, इतना हम लंबा नहीं जाते, एक उदाहरण आपको पर्याप्त हो जाएगा कि कितने उन्होंने गहराई पर इसको विचार किया था। अब जो है आकाश और काल को एक मानना, और आकाश क्या है कि अभी हम देखा आकाश तो पंच तन्मात्राओं का कार्य है, यानी प्रकृति का कार्य है, प्रकृति में आश्रित, तो उस आकाश के साथ, आकाश में केवल शब्द गुण ही है और कोई गुण नहीं, शब्द ही रूप है आकाश का, वो आकाश कहते समय ऊपर जो नीला आकाश दिख रहा है वो नहीं है, आकाश कहते हैं स्पेस, स्पेस तो आप समझते हैं यानी खाली जगह शून्य जगह, जैसा ये है इसके अंदर भी स्पेस है, स्पेस तो बाहर भी है ये भी खाली जगह है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सभी के अंदर है। इसके अंदर ये लोहे का बना हुआ घन पदार्थ है, इसके अंदर स्पेस कैसे है, इसके लिए क्या तर्क है आपके पास, ऐसे पूछने पर वो कहते हैं देखो ये टूटता है कि नहीं टूटता, बोलते टूटता है, यदि टूटता है, कोई भी चीज टूटती है तो उसके अंदर स्पेस रहता है, स्पेस रहने से वो टूटती है, नहीं तो नहीं टूटती। अब देखिए यही साइंस कहता,
और कुछ नहीं, यही कहता है ये न्यायिक भी यही कहते हैं, हम बिल्कुल पक्का बोलते हैं कि इसके अंदर भी जगह है, क्योंकि दो चीज को आप जोड़ते हैं दो अलग अलग रहता है। न्यायिक के पास एक संयोग नाम के गुण है, वो संयोग गुण से ये जुड़ते हैं, जुड़ने पर ये घनिष्ठ जुड़ जाता है ना, तो उसके जो डेंसिटी आदि जो भी हम बोलते हैं वो घनिष्ठ जुड़ने से वो एक जैसा मजबूत रहता है, किंतु मुलायम जुड़ना उसको मृदु संयोग बोलते हैं, संयोग भी उनका अलग अलग है। अब मृदु संयोग होने से जल्दी निकल जाएगा, वो घनिष्ठ होगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी निकलता है, कारण क्या है, इस पर संयोग होता है। इसके अंदर एक एक अणु है, इन अणुओं का संयोग होता है, और संयोग के बीच में आकाश रहता है, आकाश रहने के कारण इसको तोड़ सकते हैं। इसमें हामर मारना पड़ेगा और बाकी करना पड़ेगा वो बात अलग है, क्योंकि संयोग थोड़ा घनिष्ठ है इसीलिए नहीं होता है, लेकिन आकाश इसके अंदर भी मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से व्यापक आकाश है। अब उस आकाश के साथ प्रकृति को आप देखना है कि प्रकृति में सत्व रजस तमस की साम्यावस्था और उसके विकार रूप में आकाश को लाया, उस आकाश के साथ काल को एक करते, उससे भिन्न कोई काल के अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहे। इसको जानने के लिए आपको काल, आप जो काल समझ रहे हैं वो क्या है थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा आप वही नहीं समझेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले काल करके आप क्या समझते हैं, ये घड़ी को समझते हैं क्या, घड़ी घड़ी काल है जो घड़ीकार घूमता है, नहीं है घड़ी काल तो नहीं है, क्योंकि घड़ी तो खराब हो जाती है, उसको ठीक करते हैं, वो तो वो काल नहीं हो सकता, चलो घड़ी काल नहीं। ये क्या सुबह सूर्य उदय हो रहा है शाम को अस्त हो रहा है, ये काल है क्या, ये भी काल है, ये भी काल है, घड़ी बस दे वो भी काल है, चलो वो भी काल है, अब मान के चलते हैं, देखते हैं ये काल बनता है कि नहीं। और सूर्य उदय होता है अस्त होता है ये भी काल है, चलो हम मानते हैं ये भी काल, चंद्र उदय होता है अस्त होता है ये भी एक काल है, क्योंकि उसी के अनुसार तिथि आदि पूर्णिमा इत्यादि का सब होता है, भूमि घूमती है इसलिए दिन रात होता है ये भी काल है, वो भी काल, फिर दिन होता है हफ्ता है सप्ताह महीना वर्ष साल ये सब जो मिला के ये सबको काल है इधर। अब आप इसमें देखिए घड़ी को पहले लीजिए, घड़ी काल है, घड़ी को आप पूरा खोल करके देखिए कहीं काल करके तो ही सत्व मिलेगा, काल दिखाती है वो तो मशीन है, उसमें केवल लोहा इत्यादि प्लास्टिक आजकल प्लास्टिक का भी बनता है जो भी मिलता है वही मिलता है, उसको सब अलग करके रखे देखिए वो कुछ करता है नहीं करता, तो फिर घड़ी काल कैसे हो गया, घड़ी में प्लास्टिक को छोड़ के और कुछ नहीं निकल रहा है, तो इसको आप कहेंगे नहीं उसमें सेल डालना पड़ेगा, सेल के द्वारा जब घड़ी की सूजी जब घूमती है तब वो काल बनता है, ये कह सकते हैं आप। अब उसको आप देखिए घड़ी में सूजी है वो भी वही मेटल से बना हुआ और उसके अंदर सेल है, सेल में कुछ एनर्जी सेव किया हुआ होता है उससे वो संबंध करता है, वो कुछ नहीं करता, वो खाली वो उसके पास जो चक्र है जिससे वो कनेक्टेड होता है वो चक्र को मोमेंटम दे देता है, अब वो चक्र घूमता है वो सूजी घूमती है, इतना होता है, यहां भी काल नहीं मिलेगा। और फिर सूर्य उदय के बारे में देखेंगे, सूर्य उदय अस्त होना काल है ऐसे मानते हैं, या भूमि को घूमना दोनों में से एक लीजिए, अभी प्रत्यक्ष तो वही लेते हैं। अब सूर्य उदय होता है अस्त होता है ये बात ही पहले गलत है, पहले सूर्य उदय न उदय दी न अस्तमय दी ऐसा कहा, सूर्य का वास्तव में उदय भी नहीं होता है अस्त नहीं होता है, पृथ्वी घूमती है, यह तो उपनिषद स्वयं कहता है कि ऐसे सूर्यास्त नहीं होता। अब सूर्यास्त मान करके आप मानते हैं इसमें भी काल नहीं बैठता, क्योंकि सूर्य को छोड़ करके और कोई तत्व वहां मिलने वाला नहीं, काल आपको नहीं मिलेगा, काल करके तत्व नहीं है। अब दोके वो बाहर का छोड़ दीजिए, हमारी बात देखते, क्योंकि अब जब आप सो जाते हैं तो मन बंद हो जाता है, समय का पता नहीं चला, अब बोलते हैं समय का पता नहीं चला, क्यों नहीं पता चला भाई, नहीं मन अन्यत्र था, मन आनंद में था पता नहीं चला, आप कोई मनोरंजन देख रहे हैं पता नहीं चलता है समय कब बीत गया पता नहीं चलता है, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं समय बीत जाता है पता नहीं चलता है,
आजकल फोन में बात करते हैं, घंटे बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो ये समय बीत रहा है पता नहीं चल रहा, इसके क्या हो गया? मन के साथ कुछ संबंध दिखता है। यानी जब मन सचेत है और आपको कोई बोर हो रहा है, समझ लो अब इस प्रवचन में बैठे हैं, यदि आपको बोर हो रहा है तो बिल्कुल समय गिनती रहेगी, कभी घड़ी पीछे आगे सब देखेंगे। तो इसलिए हमारे स्वामी जी कहते थे कभी भी श्रोता के सामने घड़ी नहीं रखना, क्योंकि घड़ी रखेगा तो समझ लो कि आपका आधा बोलना बेकार जाएगा, वो थोड़ी देर बाद घड़ी देखना शुरू कर देता। और फिर किसी ने कहा, हमारे स्वामी जी कहते थे कि प्रवचन कब बंद करना है, तो बोलते हैं आप कितने समय बोलते रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो बैठे हुए लोग धीरे धीरे घड़ी ऐसा हाथ घुमाना शुरू करेगा तब आप सावधान हो जाना, अभी प्रवचन बंद करने का टाइम होगा। और दूसरा जो है धीरे धीरे फिर ऐसा ऐसा घुमा के फिर टक टक करके देखेगा कि क्या चल नहीं रहा है, ऐसे देखेगा। इसका मतलब इतना होने के बाद में फिर आपका प्रवचन एक शब्द भी आगे नहीं कहना, तुरंत बंद कर दे, क्योंकि फिर आगे बोल दिया तो फिर वो सब हवा में जाएगा नहीं आप। तो इसीलिए ये घड़ी क्या है कि हमारा मन है, अब इस समय वो समझेंगे। तो मन वृत्ति जब चलाता है तब हम समय को ध्यान में रखते हैं। मन ये कहीं एकाग्र है शांत है तो समय नहीं पता चलता। अब ये तो हो गया, अब हम मन के आधार पर समय का निश्चय करने की कोशिश करते हैं। मन के आधार पर समय कैसे निश्चय करेगा, वो हो नहीं सकता। क्यों? मन अपने आप कहता है, मन स्वयं चंचल है। अभी यही जो दृष्टांत ही दिखा दिया कि मन को कहीं अच्छा काम मिल गया वो टाइम का भरोसा नहीं करता, टाइम को देखता नहीं है। अब ऐसा जो मन जो काम मिलने पर टाइम को छोड़ देता है, उसके आधार पर हम टाइम का निश्चय कैसे कर सकते? उसका मतलब वो नहीं होगा, अब नींद आ गया आप सो गया टाइम पता नहीं चला, ऐसा तो चलेगा नहीं। इसलिए मन के भरोसे कुछ नहीं कर सकते, मन के भरोसे टाइम नहीं निश्चय होता, हाँ तो वो भी नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि ये क्या है कि बहुत आश्चर्य है, टाइम करके चीज नहीं है कैसे निश्चय होता है। देखिए हम अभी घड़ी की बात किए, सूर्योदय अस्त की बात की, चंद्रोदय अस्त की बात की, सब कुछ किया, मन की भी बात की। कहीं भी समय के लिए अलग एक प्रावधान नहीं दिखता, यानी समय को निर्धारण करने के लिए अलग कुछ नहीं दिखता। उसमें दिखता क्या है, क्रिया दिखती है, क्रिया दिखती, क्रिया दिखती, ठीक है ना। क्रिया माने एक्शन मूवमेंट कह सकते, एक स्पंदन दिखता है, स्पंदन जैसा पेंडुलम इधर से उधर जाते स्पंदन है, ठीक है। ये अभी जो मैं आगे में बोल रहा हूं बहुत सावधानी से ध्यान से सुनना, ये स्पंदन जो है मूवमेंट, एक विशेष रूप में हम घड़ी को घुमा रहे हैं, घड़ी हम बनाया है, घड़ीकार को बनाया है समय निश्चय करने, ये एक मूवमेंट है, वो मूवमेंट को निश्चय किया गया तो मूव करता है, पृथ्वी भी मूव करती है। ये मूव करने के कारण हम समय का निश्चय कर रहे हैं, समय बदल रहा है इसलिए क्योंकि ये मूव कर रही है। जब आप उत्तर ध्रुव में जाएंगे तो वहां समय नहीं है, यानी दिन रात नहीं है। अब दिन रात नहीं तो परेशान हो जाएंगे, वहां सूर्य उदय होता ही रहता है, अस्त ही नहीं होता, क्योंकि सबसे चोटी पे पहुंच गया ना, अब भूमि तो नीचे घूम रही है, अब वो उसकी छाया आती नहीं है, छाया नहीं आने से वहां नहीं होता। और नीचे दक्षिण ध्रुव में जाने से वहां तो रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा, तो वहां तो नीचे है अब वो सूर्य ऊपर है वो नहीं होता। ये तो ज्योग्राफी और जो भी है। अब ये मूवमेंट जो होता है, हमने कहा घड़ी के भी मूवमेंट से हम देखते हैं, सबके मूवमेंट से, मन की बात हमने कहा क्योंकि मन नहीं है तो फिर समय का पता नहीं चलता। अब मन में भी मूवमेंट है इसलिए मन एक दूसरे को देखता रहता है। यदि वो मूवमेंट, ये जो चलन है, वो एक विषय पे रुक जाता है, एक विषय पे यदि रुक जाता है तब तो समय भूल जाता है।
समझ रहे हैं? हमने दो बातें कही, एक तो मन के द्वारा समय का ध्यान हो रहा, और वो क्या है, मूवमेंट से, चंचलता से, चलन से हो रहा। अब क्या है कि कभी कभी हम समय का पता नहीं चलता है, ये बोलते हैं। ये कब बोलते हैं? जब मन एक विषय पर कहीं स्थिर हो जाता है तो क्या होता है, चंचलता नहीं है, वास्तव में स्थिरता नहीं है वहां, स्थिरता तो और कुछ चीज है, वो समान रूप से है, लेकिन तब समय का पता नहीं चलता। एकाग्रता जहां हो जाती है समय का पता नहीं चलता। तो समय ये क्रिया पर आधारित है, एक से दूसरे का संबंध ये क्रिया पर आधारित है। वो सूर्य वहां से चलकर दूसरे कोण, ऐसे एक एक कोण में आकर के एक एक ध्रुव को स्पर्श करते हुए मूव कर रहा है, इससे हम अपने घड़ीकार को सेट करते हैं। तो इसका जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, ये हमारा समय का निश्चय है। घड़ी का 12 से 1 तक, 1 से 2 तक जो मूव होता है उसको हम समय के रूप में कल्पना करते हैं। वास्तव में समय नहीं है वहां, क्रिया ही है। समझ में आ रहे हैं? क्रिया को छोड़कर के कोई समय वहां नहीं है। मन में देखिए, मन में भी क्रिया है, मन में भी क्रिया है, मन स्पंदन को रूप में ही काम करता है, मन का स्पंदन होता है, उसमें भी क्रिया ही है। और वो स्पंदन जब चलता है उसमें उसको समय हम कल्पना करते, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया कि क्रिया के रूप में ही समय होता है। अब और एक स्टेप इसका है, ये तो अभी समय नहीं है, समय का अपना अस्तित्व नहीं दिखा, क्रिया के रूप में अस्तित्व है, ठीक है, वहां रुकते हैं। इसके बीच में एक और बात कहना कि हम तीन काल की कल्पना करते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये है क्या चीज, हम किसको भूत कहते हैं, जो बीत गया वो भूत है, अच्छा जिसको किसको भविष्य कहते हैं, जो आया नहीं वो भविष्य है, ये दोनों ठीक है, अब फिलहाल वो ठीक है। क्या वर्तमान क्या है, अभी, अभी का जो समय वर्तमान काल, अभी का मतलब कब है, अभी चला गया, अभी चला गया ना, तो अभी मतलब आप प्रसन्न टाइम को देते, प्रसन्न देते, प्रसन्न मन वर्तमान हिंदी में कहेंगे तो। अब ये वर्तमान होता क्या है, वर्तमान जैसा हम कह रहे हैं कि ये क्षण वर्तमान है, तो मैं कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, प्रसन्न कंटिन्यूस का प्रयोग कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग स्पीकिंग जो भी है, तो ये जो कंटिन्यूस टेंस है, प्रसन्न कंटिन्यूस जब बोलते हैं, ये इस मोमेंट को लेती है, ठीक है, तो इसी को हम मान रहे हैं। किंतु अभी हम कहना चाह रहे हैं कि शिविर चल रहा है, कैंप इज गोइंग ऑन, अब इसको क्या कहेंगे, ये कितने दिन के लिए, आपके 7-8 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये 8 दिन के अंतराल में कैंप इज गोइंग ऑन, तो इज गोइंग ऑन हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो एक मोमेंट नहीं है। अब वहां से देखे यहां तक है, 8 दिन का अंतराल है, बहुत होता है 8 दिन का, कितने घंटे हो। अब आई एम स्पीकिंग इसमें और द कैंप इज गोइंग ऑन, इसमें क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंदर है, बहुत अंदर है। और हम दोनों को क्या प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल प्रयोग करते हैं। और आपको किसी ने पूछा कि आप जी रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो बोले हम जी रहे हैं, कब से जी रहे हैं, वो इतने साल से जी रहे हैं, तो इतने साल से जो आप जी रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल रहे हैं, मैं जी ली, अब क्या बोलो, मेरा जीना हो गया, ऐसा तो नहीं कहते। और आगे
जीवन होने वाला ऐसा भी नहीं कहते, मैं जी रहा हूं ये कहते। इट इज वेरी डिफिकल्ट, आप वर्तमान को निश्चय नहीं कर सकते। मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां आपको एक क्या बोलते हैं, एक बहुत ही जादूकरी की बात समझ में आ जाए। ये वर्तमान जो है ना अपने आप में है ही नहीं, जिसको हम वर्तमान, प्रेजेंट टेंस इत्यादि बोलते, कुछ भी बोलते, व्याकरण में कुछ भी बोलते, ये अपने आप में है ही नहीं। अभी अभी हमने कहा, जहां बोल के रुका था, कहां रुका था, क्रिया पर आश्रित करके टाइम को छोड़ दिया था। देखिए ये बहुत लंबे बाल बोलने की बात है, लेकिन ये बहुत विशेष होने से मैं इसको शॉर्टली आपके सामने रख रहा हूँ। इसको आप समझना और सबको बताना, ये इज सो इंटरेस्टिंग, इसलिए बोल रहा हूँ। सो अभी ये क्रिया पर वहां छोड़ा था, अभी यहाँ हम भूत भविष्य के रहने दीजिए, अब वर्तमान पहले सिद्ध होगा, बाकी तो भूत भविष्य बाद में सिद्ध होगा। तो वर्तमान को हम देखते हैं तो ये भी अपने आप में कोई स्वरूप नहीं दिखाता, हम ये मोमेंट को नहीं ले सकते हैं, और एक अमाउंट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। फिर क्या रूप है वर्तमान का? वर्तमान कभी साड़ों से चलता है, कभी टाइम से चलता है, यानी वर्तमान काल का अपना कोई रूप नहीं है। वर्तमान काल हम क्रिया में आश्रित करके ही कहते हैं, जो क्रिया चल रही है उस पर आश्रित होता है, अपना कोई अपना अस्तित्व नहीं। अब वो क्रिया भी, जो क्रिया जैसी आएगी उस हिसाब से होगा। जैसे आप खाना खा रहे हैं, तो मैं खाना खा रहा हूं, वो 15-20 मिनट का जो भी होगा वो होगा, हर एक क्रिया पर आश्रित रहेगा, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक निश्चित अवबोध कभी हमारे जिंदगी में हमको होता नहीं। आप प्रूफ करके दिखाना, इसके विरुद्ध में यदि है, आप प्रूफ करके दिखाना प्रेजेंट कंटिन्यूस का बोध आपको होता है, नहीं होता है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस को जान ही नहीं सकते। प्रेजेंट कंटिन्यूस इसलिए मैंने दिया, वो क्लियर है, वो प्रेजेंट टेंस सब इसमें आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट सब आता है। तो जो भी है प्रेजेंट नहीं बोलता। अब क्या है कि हमारे जो शास्त्रकारों ने इसका क्या डेफिनेशन दिया, आप देखिए, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सोचा था। अभी हमारे कोई स्कूल में ये नहीं सिखाया, मैंने इस चीज को स्कूल में नहीं सिखाया, मैं बोल रहा हूँ, ये कोई स्कूल में कोई टीचर नहीं जानता है वर्तमान क्या है, भूत क्या है, भविष्य। वो ऐसे समझा देते हैं, जो बीत गया वो हो गया, जो आ गया ये है, ये वर्तमान ये है, इसे बोल करके काम चलाते हैं। और वो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है इसमें क्या है कि इसलिए बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, ये क्या चीज कैसा प्रसंग किसको समझा रहे, कि हमारे शास्त्रकार व्याकरण शास्त्र में शब्देन्दु शेखर करके व्याकरण भाष्य की व्याख्या है सिद्धांत कुमारी आदि की, उसमें इसका डेफिनेशन कैसे देते हैं, बिल्कुल परफेक्टली देते हैं कि वर्तमान काल क्या है, समारब्ध क्रियायाः परिसमाप्ति पर्यंत व्यापक काल विशेषः। समारब्ध क्रियायाः, जो क्रिया आरंभ हो गई है वो क्रिया समाप्त होने तक जितना अंतराल आता है उतने अंतराल को हम वर्तमान काल कहते हैं। ये परफेक्टली ये डेफिनेशन आपको सभी क्रिया में लगे। क्रिया आरंभ हो गई, जैसा खाना रूप क्रिया आरंभ हो गई, खाद आदि शुरू हो गया, उसके बाद में अब कब तक चलेगा, जब तक आप हाथ धोएंगे तब तक चलेगा, तो ये कंटिन्यूस मिलेगा। समारब्ध क्रियायाः परिसमाप्ति पर्यंत काल विशेष, ये मिल जाएगा, ये ही डेफिनेशन है। इसका मतलब हमारा यहाँ प्रयोजन क्या है कि हम इसको क्रिया में आश्रित करके, काल वहाँ वर्तमान काल भी क्रिया में ही आश्रित है, क्रिया को छोड़ करके नहीं। अब ये दोनों तरफ से हमने क्रिया में ले गया, अब काल का स्वतंत्र कोई अस्तित्व है कि नहीं है? नहीं है। अब पहले तो आप मानेंगे नहीं, तो अब और विचार करना पड़ेगा, लेकिन क्रिया को छोड़ करके काल का कोई अस्तित्व नहीं, ये तो निश्चित है। अब क्रिया को छोड़ करके कहेंगे ना, अब क्रिया और काल एक है क्या? कोई नहीं मानता ना,
व्याकरण वैयाकरणी मानते हैं, ना व्यवहार में काम करने वाले मानते हैं, ना फिलोसोफर्स मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं क्रिया और काल एक है, ऐसा कोई नहीं मानता। अब हम वहां इसको रोके, अभी सोचते हैं कि क्रिया क्या चीज है। अब क्रिया को भी तो जानना है, क्या होता क्रिया है। क्रिया तो हम चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, ये सब क्रिया है। हमारे शरीर आदि से होने वाली क्रियाएं, बाहर होने वाली क्रियाएं अलग है, जो भी क्रियाएं हो रही है, वायु चलता है, पानी बहता है, इत्यादि इत्यादि क्रियाएं हैं। अब हम क्रिया क्या है देखते समय आपको क्रिया का स्वरूप कर्ता से अतिरिक्त नहीं मिलेगा। कर्ता से अतिरिक्त, कर्ता से अलग क्रिया नहीं मिलेगी। कैसे है, अभी राम गच्छति, राम जा रहा, राम जा रहा है, तो जाने जा रहा है, ये तो क्रिया हो गई। जाने वाला कौन है, राम है। राम से अलग कोई जाने की चीज है वहां नहीं है। राम जो है पैर को आगे कर रहे, पीछे का पैर पीछे कर रहे, आगे के पैर आगे कर रहे, फिर वो आगे के पैर को पीछे कर रहे, ऐसे करके जा रहे। अब जाने की क्रिया के लिए भी हमारे यहाँ डेफिनेशन दिया, वो क्या वॉकिंग क्या होता है उसको, ऐसा उन्होंने कहा पहले ऐसे ही, वो तो सबका डेफिनेशन देते नहीं आए, तो वो ऐसा होता है। अभी किसमें आश्रित है, वो कर्ता में आश्रित है। अब वो राम को छोड़ के आप गमन क्रिया को कहीं देख सकते क्या, नहीं देख सकते। पानी को छोड़ के कहीं क्रिया देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अब ध्यान रखो, काल किसमें आश्रित था, क्रिया में आश्रित था। अब क्रिया किसमें आश्रित है, कर्ता में आश्रित। इसलिए व्याकरण में सूत्र बनाया स्वतंत्र कर्ता, कर्ता स्वतंत्र होता है, यानी कोई भी क्रिया करने के लिए कर्ता चाहिए, कर्ता को कोई पूछ नहीं सकता है, क्रिया कर्ता पर ही आश्रित होता है। ठीक है, अब हम कर्ता तो आ गया, कर्ता आने के बाद में बाकी बात आपको समझ में आ जाएगी। कर्ता आने के बाद में हमने अभी सृष्टि क्या बताया, भूत सर्ग में तन्मात्रा, तन्मात्रा के बाद में पंचभूत, पंचभूत से ये शरीर बना, और फिलहाल हम शरीर को कर्ता मान लेते हैं, फिलहाल ये आदमी जो है इसको कर्ता मान लेते। इसको कर्ता मानने से सारे क्रिया इधर है, अथवा ये करता है, ये करता है, बाकी सब जो भी है भौतिक चीज ही है, वस्तु यानी मेटीरियल जिसको हम बोलते हैं, मैटर, वो ही करता होता है। डेवलप मैटर का जो डेवलपमेंट है वो क्रिया होकर के इधर आ गया, वही करता है। प्रकृति से जो कुछ बना हुआ है वो करता है कि नहीं। प्रकृति से जो जो परिणाम होके शरीर आदि बना हुआ है या पंचभूत बने हुए हैं, जो कुछ बना हुआ है प्रकृति का विकार है, प्रकृति के विकारों में से ही कोई कर्ता हो जाता। और व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में 2226 धातुएं हैं, ये जितने धातु है वो सभी किसी न किसी कर्ता में ही प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि कर्ता इज इक्वल टू प्रकृति हो गया, ये प्रकृति का विकार हो गया। अब देखो कहां से हुआ था, काल टाइम इज इक्वल टू क्रिया, और क्रिया इज इक्वल टू कर्ता, कर्ता इज इक्वल टू प्रकृति, ये हो गया। अब काल का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, क्रिया भी कर्ता पर आश्रित। इस ढंग से उन्होंने सभी कुछ को मैटर में लाके खड़ा कर दिया, यानी प्रकृति में ही है ऐसा कहा और नहीं। अच्छा, फिर इन्होंने आकाश से अतिरिक्त क्यों नहीं माना इसको, इसलिए है कि जहां भी मूवमेंट होना है वहां स्पेस चाहिए, विदाउट स्पेस देयर कैन नॉट बी एनी मूवमेंट, ये है उनकी थियरी। और बिल्कुल आइंस्टीन इसी प्रकार ही सोचा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मैटर के बिना कोई डेवलपमेंट होता नहीं, मैटर के बिना टाइम इत्यादि का क्या अस्तित्व है, कैसे करेंगे, तो उसको लेकर के उन्होंने। और फिर ये एनर्जी आदि के बारे में भी इससे किया, हमारे यहाँ एनर्जी क्या है, ये मैटर से अभिन्न है, जो प्राण को एनर्जी बोलते हैं या प्राण शब्द से कहते हैं, वो दोनों एक ही होता है, सारे डेवलपमेंट उससे होता है, प्राण का अलग कोई अस्तित्व नहीं मानते, इसी के अंतर्गत मानते। इस प्रकार से उन्होंने दोनों का एक किया, और इसी के आधार पर योग सूत्र में यह एक क्षण प्रतियोगी ध्यान है, एक मेडिटेशन है, मूवमेंट पर ध्यान देना, क्षण प्रतियोगी ध्यान, एक एक क्षण को लेना। अब काल तो है नहीं, क्षण को कैसे लेंगे,
काल तो है नहीं, क्षण को ले। वो कहता है क्या क्षण क्या होता है? बोलते क्षण तो अलग अलग हिसाब के अलग अलग होता है, किसी के लिए एक क्षण एक घंटा भी होता है। वो बोलते हैं एक क्षण में आ रहा हूं, आता है एक घंटे के बाद। वो उस पर हम नहीं चल सकते, इसलिए क्षण का अलग अलग हिसाब है। तो योग सूत्रकार क्या किया, ऐसा कोई क्षण का डेफिनेशन नहीं दिया। उन्होंने बोला कि दो परमाणु आपस में जो जुड़ता है, दो परमाणु को जुड़ना अलग अलग होना, ये एटॉमिक मोमेंट को लेकर के उन्होंने टाइम का सबसे अंतिम स्थिति मानी। ये देखिए, अब इससे ज्यादा आप ज्यादा क्या सोच सकते हैं? क्यों एटम्स के मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा मूवमेंट हम मानते हैं। ये जो मूवमेंट है, ये जो चलन है, वो एक दूसरे के साथ जो चलन का संबंध है उसमें कितना लगेगा, वही सबसे छोटा क्षण है। अब आप उस क्षण पर ध्यान करोगे, बाकी तो आप जैसे मूर्ति पर ध्यान करते हैं, ऐसे ऐसे ध्यान करते 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 सूक्ष्म सूक्ष्म में ये एटम्स के मूवमेंट पर ध्यान करो। मूवमेंट ध्यान करने पर क्या होता है कि इस दुनिया में क्या क्या परिणाम हो रहे हैं सारे आपको समझ में आए। ये उन्होंने सिद्धि बताया कि मन को वहां स्थिर करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल। तो ये है इसका मतलब, अल्टीमेट वहां तक ही है, और वो उसके उपाधि के रूप में छोड़ते। तो हमने मूवमेंट को लेकर के शुरू किया और उसमें मैटर को यानी द्रव्य को उसमें मिलाया, मिलाने के बाद में वो द्रव्य का भी एक सूक्ष्म अंश परमाणु है, परमाणु के ये सबसे छोटा अंश है, उसी में जाकर समाप्त हो जाता। अब ये मन भी सभी उसी के अंतर्गत आ गया, वो पर उसी की दृष्टि से तो मन बहुत स्थूल है, मन तो इधर उधर चलता है, समझ में आता है। इसीलिए वहां काल समाप्त होता है, इसलिए काल का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। फिर काल को लेके बहुत विचार किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने कहा कि ये लोग सब काल को मानते हैं, इनको लेकर के विचार करने से समझ में आता है। उनको समझाने के लिए हमने कहा वास्तव में कोई काल नहीं, ऐसा वो मानते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये मान वर्तमान काल को लेकर के भी और इसको लेकर के, ऐसा इनका ध्यान बिल्कुल अंदर चले जाता है। आप जब इस प्रकार के मोमेंट का, आपके मन का चलन को देखेंगे ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं, तुरंत समाधि लग जाती। हम मन को दो बिंदु पर खड़े करते हैं और एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, दो विचारों के बीच में रखते हैं और दो विचारों को जोड़ करके हम विचार करने लगते हैं। ऐसे में हमारा मन तो घूमता रहे। वो बोलते हैं दो विचारों के बीच के स्थान को पकड़ो, ये दो विचारों में मन कैसे जुड़ता है उसको देखो, तब आपको पता चलेगा कि मन कैसे चल रहा, मन का चलन आपको मालूम पड़ेगा। अब क्या होता है, मन स्वयं चलता है, हम उसको जानने के प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है, इसीलिए आपको मन के पीछे दौड़ना पड़ता है। समझ में आ रहे ना, मन का स्वभाव है चलना, वो बदलते ही रहता है, क्योंकि मूवमेंट उसमें भी है, अपने आप बदलते रहता है। वो जब चल के जाता है उसमें हम उसके पीछे जाते हैं। तो अब क्या करना है कि मन चलता कैसा है, मन बनता कैसा है, मन काम कैसा करता है, इसको यदि आप जान लेंगे, थॉट प्रोसेस को यदि आप जान लेंगे, तब तो आपके अनुसार मन चलेगा, तब आपको ये मूवमेंट के बारे में पता चलेगा, मन कैसे मूव कर रहा है ये मालूम हो जाए, एक विषय से दूसरे विषय में कैसे जा रहे हैं मालूम हो जाए। वही मन का नियंत्रण है और कुछ नहीं। मन जैसा चल रहा है वैसा जाकर के आप नियंत्रण करने जाएगा तो नहीं आएगा, आपको अपने अनुसार उसको करना पड़ेगा। जैसे हम किसी जीव को ट्रेनिंग करते हैं, जैसा घोड़ा है या कुत्ता है या अन्य अन्य जो जीव को लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसको कैसे करना है, वो क्या करते हैं, उसके पीछे नहीं दौड़ता है, उसको मार पीट के जैसा वो मनवाना चाहते हैं उसी प्रकार उसको मनवाते हैं। थॉट प्रोसेस को जानना पड़ेगा, ये है एक बात हमने बताया। अब जो है कि हम भौतिक सृष्टि के बारे में थोड़े विचार करें, इस बात को मन को नियंत्रण करने के बारे में हम जब सोचते हैं तो कैसे नियंत्रण करना है, ये है प्रश्न। इसी पर हमने बोला था, ये मूवमेंट को देकर मन स्वयं चलता है,
मन अपने आप विचार करते रहता है, आपको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा, आप चुपचाप बैठो विचार चलते ही रहता है। आप क्या करते हैं, वो एक एक को विचार के पीछे जाते हैं, दरो इधर रुको भाई, उधर रुको भाई, ऐसे बोल के जाते हैं, वो मन रुकता नहीं, वो एक विचार को छोड़ के दूसरे को पकड़ता है, फिर आप जाते हैं नहीं इधर रुको, और उधर भी रुकता नहीं, फिर और रुको, ऐसे जाते हैं। इसका मतलब वो मन के पीछे जा करके मन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इससे नहीं चलेगा, उल्टा करना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि मन चलता कैसा, एक थॉट प्रोसेस से, एक विचार से दूसरे विचार में वो कैसे जाता है, उसका थॉट प्रोसेस बनता कैसा है, विचार कैसे शुरू होता है, कैसा डेवलप करता है, कैसा वो छोड़ता है, कैसा पकड़ता है, ये सारे प्रक्रिया को यदि आप जान लेंगे तो वो प्रक्रिया के द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत मन आएगा। ये है, ये प्रक्रिया योग सूत्र में इसी को बताया, जब वो योग सूत्र आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें ये समझ में आएगा। अभी हम यहाँ जितना हो सके उतना ही करेंगे, मेन मेन चीजों के बारे में बात करेंगे, बाकी तो आप सुन लेना। जैसा भी है हमारा YouTube में सब डाला हुआ है, पूरा योग सूत्र व्यास भाष्य के आधार पर डाला हुआ, आप लोग YouTube देखते हैं तो एक बार पूरा सुन सकते हैं। ये सांख्य भी डाला हुआ है, पूरा है वो, मैंने उसका टीका इत्यादि के सहित में पूरा पाठ डाला हुआ, तो कभी देखना है तो विशेष रूप से उसमें देख सकते। अब हम ये भौतिक सर्ग के बाद बौद्धिक सर्ग के बारे में कहते हैं, इसको देख करके इस विषय को यहाँ हम समाप्त करेंगे। बौद्धिक सर्ग का मतलब बुद्धि से संबंधित, ये तो आपको समझ में आता है, बुद्धि से संबंधित। बौद्धिक सर्ग में पहले विपर्य भेदा पंच ऐसा कहते, बौद्धिक सर्ग सर्ग है, सर्ग मन सृष्टि, उसमें पांच विपर्य है। विपर्य का अर्थ गलत ज्ञान, विपरीत ज्ञान, ये पांच है, वो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये है पांच। इसको आप योग सूत्र में सुनेंगे विस्तार से, इसलिए आप उसको विस्तार से नहीं कह रहे, वो योग सूत्र में मिल जाएगा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा इत्यादि नाम से आएंगे, ये विपर्य कहे गए, ठीक है, ये विरुद्ध ज्ञान है, ये एक बौद्धिक सर्ग है। दूसरे एक बौद्धिक सर्ग है अशक्ति अष्टाविंशति था, अशक्ति नाम के एक बौद्धिक सर्ग है, बुद्धि में ही होने वाला, अशक्ति नाम है उसका, शक्ति और अशक्ति, ये 28 है, 28 है, अष्टाविंशति। अब ये अशक्ति अष्टाविंशति क्या है, हमारे पास एकादश इंद्रिय है, ठीक है, एकादश इंद्रिय में एक एक इंद्रिय की जो अशक्ति है उसको गिनने से 11 अशक्ति हो जाएगी। ऐसा कैसा, कि आंग ठीक से नहीं देख पा रहे, आंग में पूरी देखने की क्षमता नहीं है, और कान में सुनने की क्षमता नहीं, ऐसे ऐसे अशक्ति। अब ये क्या है, डिस्टर्बेंस होता है इससे, इससे आप पूरा ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते, तो इसीलिए ज्ञान का बाधक मान के या शक्ति कहा है, उसमें शक्ति का अर्जन करना है, ठीक है। तो अष्टा एकादश 28 है, उसमें 11 तो ये हो गया, और बुद्धे है 17, और स्वयं बुद्धि का 17 होता है, दोनों मिलकर के 18 हो गया, ये 28 हो गया, 17 डिसेबिलिटीज ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धे है 17 अशक्तया। अब बुद्धि का ये 17 क्या क्या है, तुष्टि विघादा 9, अष्ट सिद्धि विघादा 8, ये सब शब्द आप नए सुन रहे होंगे, क्योंकि इन साधनों के बारे में और कहीं चर्चा नहीं होती है। इसमें तुष्टि का विघाद, तुष्टि क्या है अभी हम बता रहे हैं, तुष्टि को विघात करने वाले 9 होते, तुष्टि माने सैटिस्फैक्शन, यहां सैटिस्फैक्शन को कोई साधन के रूप में बता रहे हैं, लेकिन वो साधन क्या है, वो सैटिस्फैक्शन को हटाना साधन है, वो सैटिस्फाइड नहीं बैठना है,
है, ये है, अब बताएंगे। और अष्ट सिद्धि आपने सुने होंगे, अणिमादि अष्ट सिद्धि, किंतु यहाँ वो अष्ट सिद्धि नहीं है, कोई दूसरे अष्ट सिद्धि है, वो भी बताएंगे। और इन दोनों का विघात, इन दोनों को प्राप्त नहीं कर सकना, इनको नष्ट हो जाना, ये भी अशक्ति है। इस प्रकार से ये अशक्ति 28 हो जाते, 11 इंद्रियों का और ये 9 और 8 मिलकर 28। अब देखते हैं ये 9 प्रकार के तुष्टि क्या है। तुष्टि इसका नाम है, तुष्टि माने सैटिस्फैक्शन, 9 प्रकार के हैं। उसमें पहले तुष्टि है, उसको कहते हैं प्रकृति आख्य तुष्टि, प्रकृति नाम की तुष्टि है। ये सारे शब्द नए हैं, आप मतलब लिख करके ही समझना पड़ेगा इसको। पहला तुष्टि है प्रकृति नाम की तुष्टि। ये होता क्या है, इसमें हम समझ लेते हैं, साधन करने के लिए हम निकले तो साधन में सोचते हैं बहुत कुछ करना पड़ता है, ये सब कैसे करेंगे, ऐसा सोच करके हम निकलते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है, प्रकृति विवेक दर्शनात् मुक्ति ही सैव उपास्या किम आत्मना। एक तुष्टि हो जाती है, एक प्रकार के सैटिस्फैक्शन है, एक्चुअली सैटिस्फैक्शन नहीं है, वो बीच में रुक जाना, क्या समझ करके कि आपने सांगे में क्या कहा, सब कुछ प्रकृति से होता है का, ये जितने भी है सब प्रकृति से होता है। यदि सब कुछ प्रकृति से होता है, प्रकृति को ही हम उपासना करेंगे, आत्मा को क्यों जानेंगे, आत्मा की क्या जरूरत, आत्मा तो कुछ करता धरता तो है ही नहीं कुछ, आत्मा तो बिल्कुल मुक्त है, वो चुपचाप रहता है, तो उसको जानने के विचार छोड़ के प्रकृति को ही जानते रहेंगे, प्रकृति की सेवा करेंगे, प्रकृति को जानेंगे, ऐसा समझ करके बैठ जाएंगे। यानी इस प्रकार से साधन साधक हो जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है हमारे अंदर, ऐसे हम सैटिस्फाई हो जाते हैं, इसी को हम करते रहेंगे। प्रकृति का मतलब शरीर से लेके पुष्ट करना, शरीर को पुष्ट करते हैं, मन को पुष्ट करते हैं, इत्यादि करेंगे, अब उसी से साधन हो जाएगा, विवेक भी उसी को होने को कहा है ना। ऐसा सोचना साधक के लिए एक बाधा है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है, वो नहीं हो पाएगा, इसलिए वो तुष्टि एक प्रकृति हो। अब दूसरे तुष्टि है उपादानाख्य तुष्टि, उपादान नाम है उसका, ठीक है। वहां क्या सोचता है कि विवेक ज्ञान से भी साक्षात दर्शन नहीं होता, विवेक ज्ञान होने पर होता है ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, विवेक तो हमको खूब हो गया, कोई ऐसा नहीं मानता है हम अविवेकी है, सभी यही मानते हैं हम विवेकी है, तो वो सोचते हैं विवेक तो खूब हो गया, किंतु उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई व्रत आदि धारण करने से ही ये हो सकता है, तो वो क्या समझता है कि विवेक से कुछ होना होना नहीं है, व्रत धारण करो, क्यों नियमों का पालन करो, ऐसा करो वैसा करो, संन्यास ले लो, ये सब करो तब तो ज्ञान हो जाएगा, ऐसा समझ करके संन्यास ले लेते, होता नहीं है कुछ, तो उसी से ये एक तुष्टि कहा उसने, उन्होंने कहा ऐसा नहीं समझना, ऐसा समझ करके संन्यास मात्र से किसी को ज्ञान होने वाला नहीं, उसका कोई और भी साधन है, इसको उपादान नाम के तुष्टि कहते हैं, क्योंकि उसको ग्रहण कर देता है और चुपचाप बैठता, कुछ नहीं करता, केवल व्रत धारण किया, ऐसे मानते हैं कई लोग, मंदिर में जाते रहने से ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई सोचते आश्रम में सेवा करते रहने से हो जाएगा, व्रत धारण, ये सब व्रत धारण है, ऐसा करने मात्र से होने वाला नहीं, सांगे इसको नहीं देता, बोलता है ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना नहीं होगा। और कालाख्य तुष्टि, अभी काल के बारे में चर्चा कर रहे थे, ऐसे क्या सोचता है, अरे ये प्रकृति के पीछे जाने से अथवा ये संन्यास आदि लेने से कुछ नहीं होने वाला है, जब समय आएगा तो सब हो जाएगा, सभी लोग ऐसे कहते हैं ना, और उससे क्या होता है, वो निश्चिंत रहता है, आप टेंशन में होंगे, अरे कब क्या होगा क्या, उनका कोई चिंता नहीं, अरे समय आने से हो जाएगा, सब क्या नहीं होता है, सब समय करता है, ऐसे मान करके कर्तव्य धर्मों को त्याग देना और सही काम नहीं करना, ये भी तुष्टि है, इसको तुष्टि नाम दिया है, वो फिर चुपचाप हो जाएगा ना इसलिए। और उसके बाद में आता है भाग्य नाम की तुष्टि, भाग्य ये भी कहता है, अब वो कहता है नहीं नहीं काल से सब कुछ नहीं होता, यदि काल से सब कुछ हो जाता तो सबको सबके बराबर होना चाहिए था, कि सबके बराबर नहीं हो रहा है,
इसका मतलब अपने अपने भाग्य है, सिर पे लिखा है, माथे पे लिखा है तो होगा, यदि नहीं है तो नहीं होगा, ज्ञान होना लिखा है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा सोच के चुपट। देखिए कहाँ उन्होंने प्रैक्टिकल विचार किया, ये सब होता है हमारे अंदर, ऐसे मान के बैठ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा उन्होंने भाग्य नाम की दृष्टि को कहा, ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इतने जो दृष्टि है ये सब हमारे अंदर होने वाला है, अपने व्यक्तिगत है। आगे के कहते हैं, आगे के दृष्टि का नाम है पारम नाम की दृष्टि, पारम, पारम नाम की दृष्टि। उसमें क्या सोचता है, अब प्रयत्न बहुत करना पड़ता है, कुछ होता नहीं, हम इतने साल से कमाने के प्रयत्न कर रहे हैं, कमाने के प्रयत्न कर रहे हैं, वो विषय का अर्जन करना, धन का अर्जन करना बहुत बढ़िया कठिन काम है, ये छोड़ देना ही अच्छा है, ऐसा करके उसको छोड़ देता है। विषयों को अर्जन करना संभालना बहुत मुश्किल है, ऐसा सोच के विषय को त्याग कर जंगल में भाग जाना एक तुष्टि है। प्रयत्न छोड़ देना मैंने स्वकर्म को छोड़ देना, उसको करने के लिए उसमें पीछे प्रयत्न लग रहा है, ज्यादा कष्ट हो रहा है तो कष्ट मान करके विषयों को छोड़ देना, प्रयत्न करना छोड़ देना, स्वकर्तव्य को छोड़ देना, ये एक प्रकार की तुष्टि है, इसको पारम ऐसा नाम से कहा। उसके बाद में है सुपारम, बोला ही कैसा भी हमने बना तो लिया, अब इसकी रक्षा क्यों करे, कौन करेगा, बनाने में तो हो गया। सुपारम, सुपारम अब रक्षण से दुख मानता है, रक्षण के दुख मान करके उसको छोड़ देता है, रक्षण करना छोड़ देता है, उसकी रक्षा नहीं करता, ऐसा हम बोलते हैं बना लेते हैं, बाद में संभालना मुश्किल होता है, झाड़ू लगाना भी मुश्किल होता है, रक्षा करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वो रक्षण के दुख से विषय को छोड़ देना ये है सुपारम। ये भी होता है, इसलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर पारावारम, उसके बाद वाला है पारावारम, पारावारम, पारा अपारम दोनों मिला के पारावारम, वो नाम दे दिया। अब ये क्या है ये देखिए, अब बोलता है कि कुछ भी बनाओ, कुछ भी तैयार करो, कुछ दिन में तो खराब होना ही है उसको, इसीलिए क्यों बना रहा है क्यों, अब इतना प्रयत्न करके आप जो है ये सब खड़ा कर दिया, कुछ दिन में सड़ करके खराब होना है, अब क्या करना है, इसलिए वो बाद में उसका क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ऐसा सोच के नहीं करने के लिए प्रयत्न करना, मतलब अपने कर्तव्य को छोड़ देना, ये पारावारम है, इसका नाम दे दिया है। अच्छा, उसके बाद आता है आठवां है अनुत्तमांभ, नाम भी कुछ विलक्षण नाम है, अनुत्तमांभ उसका नाम है, एट नंबर का अनुत्तम अंभ, अंभ। अब कहता है कि देखो कुछ भी खाएगा तो पेट खराब होता है, भोग में दोष ही दोष है, हाँ हम सोचते हैं मीठा खाएंगे तो खराब होता है, कड़वा खाएंगे उससे भी खराब होता है, उसको कुछ न कुछ होता है, इसका मतलब भोग विषय कुछ भी अर्जन करे वो ला करके अपने घर में रखे तो वो तो खाना पड़ेगा, संभाल कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए कि अर्जन ही मत करो, खाओ ही मत, ऐसा ही छोड़ देना, अपने कर्तव्य को छोड़ के आदर भोग में दोष दे करके उपरम हो जाना, ये होते हैं अनुत्तमांभ। इसको थोड़ा साधन के लिए अनुकूल माना है, क्योंकि भोग में दोष देखना अच्छा है, वो दोष दे करके वो फिर साधन में प्रवृत्त होता है, ऐसा मानकर माना है, लेकिन ये एक कंप्लीटली पॉजिटिव सेंस में नहीं है कि वो भोग सुख है आप संभाल नहीं पा रहे, जब लड्डू मिलता है तो 10-25 खा लेते हैं, फिर उसके बाद में पेट खराब होता, बीमार होता, फिर लड्डू को गाली दे के कोई फायदा तो है नहीं, तो ये है प्रॉब्लम इधर, ठीक है। और उसके बाद में नौवां है उत्तमांभ, उत्तमांभ, उत्तमांभ वही है, इसमें उत्तमांभ इसमें क्या सोचता है, देखो हमारे शास्त्र में ये कहा है कि कोई प्राणी को हिंसा नहीं करना, मा हिंसा सर्वा भूतानी ऐसा कहा, हम कुछ भी करने जाते हैं तो किसी प्राणी को हिंसा करना ही पड़ता है, इसलिए हमारे तो भारत में तो यही स्थिति हो रहा है,
हिंसा नहीं करना है, चुपचाप बैठना है। अब ऐसे में आप ये डरी को झाड़ भी नहीं सकते। अब डरी झाड़ेंगे तो इसमें तो बहुत सारे प्राणी, बहुत बैक्टीरिया, बहुत कुछ है, झाड़ेंगे तो वो सब मर जाएगा, और क्योंकि ये शेकिंग में मर जाता है प्राणी, ऐसे में हिंसा हो जाएगी, इसलिए झाड़ू मत। अब झाड़ू मत लगाना, क्योंकि झाड़ू लगाएगा तो बहुत प्राणी मर जाता है, कीड़े मकोड़े कितने मरते हैं झाड़ू में, मर जाता है। वो ऑयल क्या बोलते हैं, वो फिनॉइल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, वो मर जाता है। टॉयलेट में भी फिनॉइल नहीं डालना है, साफ नहीं करना है, वो मर जाता है, कीड़ा मर जाता है, हिंसा होती है, ऐसा समझ कर वो छोड़ देना, का वो इत्यादि कुछ भी नहीं करना, कोई भी प्रयत्न नहीं करना, ऐसे बैठ जाने को कहते हैं उत्तमांभः कहते हैं। यदि वास्तव में यदि आप ऐसा बैठ सकते हैं तो ठीक है, किंतु वास्तव में ऐसे नहीं बैठते। जब खाने की बात आती, भूख लगती है तो खाना तो खाते हैं, और खाने के साथ बहुत सारे प्राणी मर जाते हैं, खाना पकाते हैं तो कितने मर जाते हैं, तो ऐसा मान करके चुपचाप हो जाना, इसलिए ये ठीक नहीं है। जितने भी ये तुष्टि बोला, ये साधन में विवाद है, वो कर्तव्य कर्म करने नहीं देता, ये सब गलत फहमी है। और उसके बाद में आपको अष्ट सिद्धि के बारे में बोला, ये अष्ट सिद्धि बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। ऊहादि अष्ट सिद्धि है, पहले एक सिद्धि है ऊहा, उसका नाम है ऊहा, ऊहा हमारे मलयालम में भी कहते हैं ऊहा, ऊहा माने आगे का सोचना। तो ऊहा माने क्या है, कुछ पूर्व संस्कार था, व्यक्ति का पूर्व संस्कार होता है, पूर्व संस्कार के बल पर किसी उपदेश आदि के बिना, कोई किताब नहीं पढ़ा, उपदेश नहीं किया, स्कूल नहीं गया, कुछ नहीं किया, उसके बिना ही उनको ज्ञान हो गया। तो ऐसे ज्ञान जिस प्रकार आपको होता है, कई लोगों को ऐसा होता है, वो जैसा ज्ञान होता है उसको ऊहनम कहते हैं, यही ऊहन है। जिस अर्थ में हम शब्द का प्रयोग करते हैं टोटली डिफरेंट अर्थ है, इसलिए इसको जानना पड़ेगा। ऊहन माने इस प्रकार से सिद्धि से अपने आप प्राप्त हो जाना, बिना कोई पढ़े लिखे समझ में आ जाना, ये बात। ऊहम, ऊहा, ऊहनम दोनों है, ऊहा बोले संस्कृत में ऊहन। और उसका दूसरा है शब्द। शब्द क्या है कि शास्त्र आचार्य से श्रवण करके, शब्द समझ करके पढ़ लेना, ये शब्द है, क्योंकि ये साधन के लिए आवश्यक है, जिसको हम श्रवण नाम से कहते हैं वही शब्द है, ठीक है। और अध्ययनम, अध्ययन माने गुरु शिष्य भाव से अध्ययन करना, ये अध्ययन, वो शब्द और अध्ययन में अंदर यही है कि शब्द में गुरु शिष्य भाव से होना ऐसा जरूरी नहीं, कहीं से भी आप किसी से सुन के, कोई किताब पढ़ करके, ऐसे सब समझ करके शब्द प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अध्ययन जो है गुरु शिष्य भाव से रहकर होगा, ये दोनों में अंतर है। और उसमें फोर्थ नंबर का है, ये सिद्धि में फोर्थ नंबर का सुहृत प्राप्ति, ये बहुत अच्छी बात है। सुहृत प्राप्ति माने आप अपने आप पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, सब ज्ञान हो गया करके चुपचाप बैठना नहीं, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वार्तालाप करके और ज्ञान को अर्जित करना, परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करना, ये सुकृत प्राप्ति है। जो सह विद्यार्थी है, अपने जो साथी है उनके साथ विचार करना, ये सुकृत प्राप्ति है, ये भी साधन में चाहिए। और पांचवा है दानम। दान तो हम जानते हैं वही धन है, धनादि का दान देना, दूसरे को दान देना, जो हमारे पास अधिक मात्रा में है उसको दूसरे को दे के मदद करना, ये दान है। और 6, 7, 8, ये तीनों, ये तीन प्रकार का जो दुख है ना, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक दुख, इन दुखों को रोकने के लिए जो जो आप करते हैं ये सब सिद्धियां मानी जाएगी। आध्यात्मिक दुख को रोकने के लिए आप योग आसन आदि, प्राणायाम आदि, अच्छे आहार विहार करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये भी साधन में अनुकूल होता है। और दूसरे प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना इत्यादि से उनका जो दुख से मुक्त होने के लिए कोशिश करते हैं, और प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करके देवी के दुख से मुक्त होने के प्रयत्न करते हैं, ये सारे मिला करके तीन रखा है। इस प्रकार अष्ट सिद्धि यहाँ कही गई। ऐसा इन सब के मदद से
अंत में आत्मा अनात्मा का विवेक यानी प्रकृति और पुरुष का विवेक करके स्वरूप में स्थित हो जाना वही परम प्राप्ति है ऐसा सांख्य मानते। ठीक है, यहां तक संक्षेप में सांख्य का कुछ सिद्धांत हो गया। ये उसको हम योग सूत्र में और बीच बीच में इसको लेते रहेंगे इतने के आधार पर। अब इनके जो ग्रंथ है आप कुछ सुने होंगे, पहले हमने कहा कपिल आचार्य के द्वारा प्रणीत सांख्य दर्शन प्रथम ग्रंथ है, उस पर विज्ञान भिक्षु आचार्य का भाष्य है और उस पर भी कुछ व्याख्याएं अन्य भी व्याख्याएं हैं। फिर सांख्य कारिका नाम के ग्रंथ है जो बहुत प्रसिद्ध है 72 कारिकास के साथ, ईश्वर कृष्ण नाम के एक आचार्य ने लिखा है, बहुत प्राचीन आचार्य है। ये कारिका का उद्धरण भाष्यकार ने भी दिया है और इस कारिका पर व्याख्याएं हैं, गौड़पाद आचार्य की व्याख्या, वाचस्पति मिश्र की व्याख्या, इन सब की व्याख्या है। सांख्य सार नाम के ग्रंथ है, सांख्य वार्तिक है, ये सब ग्रंथ प्राप्त है। लेकिन आप ये ग्रंथों को मैंने कहाँ प्राप्त कर सकते सोचने सर, अभी तो बहुत ही कम मिलता है। ये दो ग्रंथ तो मिलते हैं, सांख्य कारिका बहुत मिलती है और सांख्य दर्शन ग्रंथ मिलता है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मिलता है, हिंदी में भी मिलता है। सांख्य फिलोसफी नाम से दिल्ली में मुंशी राम मनोहर लाल पब्लिकेशंस जो प्रकाशन किया है वो कम्प्लीट सांख्य उसमें है विद ट्रांसलेशन इंग्लिश, आप आगे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते। ठीक है, तो यहां तक हम सांख्य के विचार किए। अब हम वैशेषिक दर्शन को थोड़ा समझें। सांख्य के इतने विस्तार इसलिए किया क्योंकि वैशेषिक दर्शन भी इसी के आधार पर ही चलता है। मैंने पहले कहा था ना सभी के लिए ये मूल है, सभी के मादा जैसा है सांख्य दर्शन। अब वैशेषिक दर्शन में हम प्रवेश करने के पहले जैसा हमने उपोपघात में कहा था उसको थोड़ा उद्धरण करते हैं। जब हमने कहा था कि वैशेषिक दर्शन सांगे के आधार पर और गहराई से विचार है कहा था, ऐसा होने पर भी बहुत कुछ अलग है, कुछ चीजों में वो विचार किया। जैसे प्रकृति तत्व है, प्रकृति तत्व के आधार पर ही वो विचार करते हैं किंतु प्रकृति से अलग होकर के परमाणु को लाते हैं मां, ये है वैशेषिक दर्शन की विशेषता। ठीक है, और ये परमाणु के बारे में सांगे ने भी कहा, जैसे अभी हमने विचार किया जो काल के बारे में विचार करते हो, सांगे योग दोनों परमाणु को मानता है, परमाणु की स्थिति मानता है कोई भी द्रव्य का, किंतु ये परमाणु से ही सब कुछ बना हुआ है ऐसा नहीं मानते सांगे और योग। तो परमाणु से सब कुछ बना हुआ है ऐसा तो वैशेषिक मानता है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन का आचार्य है आचार्य कणाद, कणाद ऋषि का काश्यप ऐसा भी नाम है, उलूक ऐसा भी नाम है, पैलव ऐसा भी नाम है, कणाद प्रसिद्ध नाम है, बाकी काश्यप उलूक पैलव ऐसे चार नाम भी उनका शास्त्रों में मिलता है। और कहने के लिए हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के बाद प्राचीन दर्शन शास्त्र वैशेषिक है ऐसा इतिहासकार माना है दर्शन के रूप में। कणाद ऋषि को कैसे ये वैशेषिक दर्शन की बात आई है इसके लिए एक कथा, एक किंवदंती कह सकते हैं ये सुनाते हैं। ये कणाद नाम से ही कहते हैं, उसमें कहते हैं कणान अति इति कणाद, कणान अति इति कणाद, कण कण को खाते हैं इसलिए उनका नाम कणाद हो गया। अभी देखिए
जैसे न्यूटन के सिर पर आपल गिरा, तब उनको गुरुत्वाकर्षण के बारे में याद आ गए, उन्होंने उसके बारे में सोच लेगा ये आपल को ऊपर जाना चाहिए था, वो क्यों वो नीचे हमारे सिर पर आके गिरा, ऐसा उन्होंने सोचा। कोई तो निमित्त तो होता है अपने विचार शुरू करने के लिए। इस प्रकार अभी कणाद ऋषि ने क्या कहा कि सारे जगत सारी सृष्टि परमाणुओं से बना हुआ है, ऐसा कहा। अब देखिए इसमें वो आइडिया उनको कहां से मिला है, क्योंकि ये इतने बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, कठिन तपस्या करते थे, वो पुंचवृत्ति कहते थे। ये पुंचवृत्ति उसी को कहते हैं जब खेत काट करके ले जाते हैं, सब धान को अपने लोग घर ले जाते हैं, धान है गेहूं है या दाल जो भी है खेत में से काट करके ले जाते हैं, तो सूखा हुआ पका हुआ ले जाते हैं, वो ले जाते समय ले जाने के बाद में थोड़ा बहुत वहां गिर जाता है, जो पक्षियां कबूतर आकर के करते हैं, इसको कपोद वृत्ति भी कहते हैं, थोड़ा बहुत खेत में गिर जाता है, वो लोग वापस उसको लेने के लिए नहीं आते, वो फेंक दिया रास्ते में गिर गया जो हो गया। और खलियान में जो गिर जाता, खलियान समझते हैं ना आप, हिंदी में खलियान बोलते हैं जहां गेहूं आदि को सब तैयार किया जाता है, वो खलियान में भी साफ करने के बाद इधर उधर कुछ गिर जाता है। कहते हैं ये ऋषि वो जो खेत में गिर जाते हैं उसको जाके चुन चुन करके, एक एक कण को चुन चुन करके ला करके उसको पीस के कूट करके जो भी रोटी चावल बना करके खाते, ये पूरे जीवन उनकी वृत्ति ऐसी थी, ये बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए इसी से उनको आइडिया मिल गया, क्यों, उन्होंने देखा कि हम एक एक कण खा रहे हैं, एक एक कण को चुन रहा है, वो छोटा है इतने इतने चावल दाना, और वही खा करके हम जिंदा है। अब देखो जब ये एक एक कण खा के कण जा करके अंदर जाके शरीर बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, सृष्टि हो सकती है, तो छोटे छोटे से ही सृष्टि होती है, ऐसा उन्होंने चिंतन करना शुरू किया। अब शुरू करके परमाणु में जाके पहुंच गया। ये है, देखिए हम एक बात यहाँ बताना चाहते हैं क्योंकि इसका और डेवलपमेंट हम कल करेंगे, अभी ये आवाज भी हो रही है और प्रश्नोत्तर भी होगा, लेकिन एक बात मैं बीच में करके इस प्रसंग को अभी यहाँ रखता हूँ। हमारे भारतीयों में आप देखेंगे, भारत ऋषियों की परंपरा में आप देखेंगे, ये ऋषियां इतने परोपकारी थे कि उनके जीवन पूरा परोपकारी था, वो अपने लिए कुछ नहीं रखते, और वो कुछ प्रस्थान बनाए, कुछ ग्रंथ बनाए, कुछ भी तैयार किए, कहीं भी उनका नामांकन नहीं होता था। अब यहां तक शंकराचार्य जी के ग्रंथों में भी उन्होंने कहीं भी अपना नामांकन नहीं किया, ऑथराइज्ड बाय नहीं लिखा। अब ये इसलिए है कि ज्ञान को वो सबके लिए मानते थे, जो भी ज्ञान आपका होता है हम उसके परंपरा में आते हैं, वो ज्ञान हमारा है मानने का कोई आप नहीं मान सकते, वो आ रहा है आपको प्राप्त हो गया, वो आप दूसरे को दे दो, आप देने के बाद आपका ड्यूटी समाप्त होता है। हमारे भी शास्त्र में ऐसे कहते हैं, हमारे गुरु लोग भी ऐसे कहते हैं, अब जो पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि ये पढ़ाने का क्या दक्षिणा है, क्या करना है कि आपको माध्यम बनना है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप 10 व्यक्ति और को सुनाओ, इससे शास्त्र की गति होती। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदः, ऐसा तैतरीय उपनिषद का वाक्य में शंकराचार्य जी भाष्य लिखते समय ये लिखते हैं कि प्रवचन क्यों करना चाहिए पूछा, तो वहां वो कहते हैं कि स्वाध्याय तो कर लिया आपने, ज्ञान प्राप्त कर लिया, किंतु इतने से होगा नहीं, स्वाध्याय के बाद प्रवचन भी करना है, दूसरे को समझाना भी है, क्योंकि उसी से ही हमारे विद्या स्थिर रहती है, उसके धर्म की वृद्धि होती है, और धर्म की वृद्धि करने के लिए आपको विद्या दिया गया, केवल आपको कमा के खाने के लिए नहीं। ये फिलोसफी पाश्चात्य से आया, आप पढ़ रहे हैं आपको कमाने के लिए, हमारे यहां नियम था विद्या कभी बेचनी नहीं चाहिए, विद्या भेजने के लिए नहीं होता। अब जब से विद्या भेजना शुरू कर दिया, आप देख सकते अभी विद्यादान नहीं हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, विद्या का बिजनेस हो रहा है, स्कूल्स बिजनेस कर रहे हैं,
अब जिसको अन्य कोई बिजनेस चालू नहीं कर सकता है वो स्कूल खोल देता है, वो डोनेशन लेते रहते, क्या क्या करते हैं, और सरकार से ये सब मिलता है करता है। अब उससे बहुत कुछ परिणाम दूसरा होता है, किंतु हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऋषि लोग इतने कठिन तपस्या करके जंगल में रह के कुछ नहीं उनको मिलता था, उसी के आधार पर उन्होंने सारा ये खड़ा किया। और ये तपस्या का फल ये है कि वो जो ज्ञान प्राप्त किया निस्वार्थ भाव से प्राप्त किया, इसलिए वो सही निकला। और आजकल कोई किसी को कोई नया ज्ञान उदित होता है वो तुरंत जो है उसी के नाम से क्या क्या करते हैं। और यहां तो कोई अवकाशवाद है ही नहीं कि ये मेरा है करके आप कह नहीं सकते, और ऐसा उल्टा मानते थे, कोई भी अपने किताब लिखे उसमें नाम अंकित करता तो उसको लोग निंदा करते, ये स्थिति थी। ये महाभारत में आपको मालूम पड़ता, जगह जगह मालूम पड़ता, कोई भी ग्रंथ लिख करके उसमें ये कहता कि ये मैंने लिखा, ये मेरे द्वारा रचित है, ऐसा मानना अच्छा नहीं मानता था, स्टैंडर्ड बात नहीं थी, तो नहीं लिखना चाहिए। वो तो सबके लिए है, जो आप लिखो प्रचार करो प्रचार कराओ, बस यही उद्देश्य है, ज्ञान सबके पास पहुंचना चाहिए। इसीलिए हमारे जो ज्ञान है, इस ज्ञान के अंदर जो विदेशी लोग जब रिसर्च करते हैं उनको कोपड़ी छतर कहा जाता है। वो सोचते हैं ये इतने बड़े ज्ञानी हो गए, शंकराचार्य जी इतने कुछ लिखा, कहीं भी उन्होंने अपना नाम क्यों अंकित नहीं किया, ये उनको बहुत बड़ा डाउट रहता। इसलिए वो क्या सोच लेते हैं, वो शायद इनको ये डर था कि मैं ये लिखूंगा तो मेरे ऊपर सब गलती आ जाएगी, तो जो कुछ मैंने लिखा है वो मेरे ऊपर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। यहां तक कोई किताब में नहीं पढ़ा, कितने नीच विचार है। क्यों क्या है, अभी आप एक लेटर लिखेगा या कोई भी आर्टिकल लिखेगा उसके नीचे आपका नाम अंकित नहीं करेगा तो वो नहीं मानता, बोलता यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राइटिंग। कैसे होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। तो इस दृष्टि से वो चिंतन करते हैं, चिंतन करके बोलते हैं शंकराचार्य जी अपने लिखा हुआ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम अंकित नहीं किया। ये है सीधा उल्टा, अभी उसी आधार पर हमको चलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने उनकी व्यवस्था को ले लिया, वो जैसा सोच रहे उनका सोच को ले लिया, सारी व्यवस्था हम उनकी मान ली, इसलिए हमको ऐसा चलना पड़ेगा। ये बात अलग है, आप लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा भी हो, किंतु मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऋषियाँ इतने पहले इतने गहराई से विचार करके कितनी तपस्या उन्होंने की हो, कितने सालों साल उन्होंने प्रयत्न किया होगा ये सब बनाने के लिए, और इतना करके पूरा जीवन उस पर लगा करके करने के बावजूद वो कहीं भी अपनात्व नहीं मानते। ये हमारे जीवन पूरा निस्वार्थ था, हमारे जीवन केवल समाज के लिए था, और हमारे भारतीय जो संस्कृति का आप देखेंगे, स्टडीज का जो भी बैकग्राउंड देखेंगे, वो उसका उद्देश्य ही दूसरे के लिए था। जब आप हम मीमांसा में आएंगे तो थोड़ा सा आपको बताएंगे इसके बारे में कि जब पुत्र का जन्म होता है उस समय जात कर्म करते हैं, जात कर्म के समय एक मंत्र है, वो मंत्र आप पढ़ के देखना। वो पिता कहता है देखो तुम पुत्र रूप से मेरे सामने उत्पन्न हुआ, किंतु तुम ये भगवान विष्णु का अंश है एक तो ये, और दूसरा तुम्हारे द्वारा सबकी भलाई होनी चाहिए, ये कहता है। आज कौन पिता ऐसा सोच सकता है, आप देखिए, क्योंकि ये मंत्र को नाम पढ़ते हैं, ये मंत्र का अर्थ ना लोगों को मालूम है, कुछ नहीं मालूम, वो यही मंत्र में प्रार्थना करता है कि मेरे जो जन्म हुआ पुत्र वीर पुत्र हो जाए, दा वीर पुत्र होना चाहिए, वो वीर मादा करके संबोधन करके, मादा को ही वीर करके पुकारते हैं, वीर मादा है तुम, वीर पुत्र को अजी जनत, तुमने वीर पुत्र का जन्म दिया, अब ये वीर पुत्र विष्णु के समान लोगों की रक्षा करने वाले होगा, ये मेरी रक्षा करेंगे, मेरे परिवार के लिए कमा करके देंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि समाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण था, और जीवन यानी सोशल लाइफ यही था। अब ये सब बदल दिया, क्योंकि ये हम ऐसे चक्रवात में फंस गए कि जो उन्होंने सोचा उसके अनुसार हम चलने लगे, और उनका आप बैकग्राउंड देखो, सभी लोगों ने जो कुछ किया
अपने लिए किया, अपने परिवार के क्या, अपने राज्य को किया, इसलिए इतना उनको विभाजन ये सब करना पड़ा, ये सब बोलना पड़ा। हमारे संस्कृति में कहां भी ऐसा नहीं लिखा है। हमारे ये मंत्रों में, वेद मंत्रों में जो बच्चे को पालने के लिए जो कुछ है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये मेरे लिए काम आए, मेरे परिवार के लिए काम आए, ऐसा नहीं लिखा। और दूसरी एक अद्भुत बात ये भी है, आजकल मैं कुछ ऐसे कुछ संस्थाओं से लोगों से सब जुड़ा हुआ, वो लोग बात करते हैं, ये गुरुकुल विद्याभ्यास, गुरुकुल गुरुकुल में जो विद्या अध्ययन और आजकल का स्कूल, इसके बारे में कंपैरिजन स्टडी चल रहा था, बहुत लोग ऐसे ऊपर करते हैं, कहते हैं गुरुकुल विद्याभ्यास में क्या था और ये आजकल के विद्याभ्यास में क्या, ये पुनरुत्थान संस्था वगैरह ये सब कर रही है, वो उसके बारे में बाद में कुछ विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक बात इसी प्रसंग में है, देखिए गुरुकुल में जब विद्यार्थी को भेजा जाता, गुरुकुल में शिष्य भाव से विद्यार्थी को भेजा जाता था, वो गुरुकुल में उसको रहना पड़ता है, गुरु की सेवा करना पड़ता है, बहुत कठिन जीवन होता, मतलब गुरुकुल वास ब्रह्मचर्य वास मतलब सबसे कठिन जीवनों में माना जाता, कोई आसानी से नहीं, उसको भिक्षा लेकर के अपने जीवन वृत्ति करना पड़ता, भिक्षा लेके जीवन वृत्ति करना पड़ता, ये तो आप जानते हैं। अभी लोग पूछ रहे हैं, किसी ने मेरे से पूछा, हमारे भारतीय है ये समझ लो, हमारे जानकारी लगने वाले, तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि भिक्षा छोटे बच्चा 7 साल में 8 साल में अपने घर में आया हुआ बच्चा को भिक्षा लेने के लिए भेज देता है और भिक्षा लेकर के ला करके फिर वो गुरु को खिलाना पड़ता है, वो बच्चा बच्चा हुआ शिष्य खाएगा, ऐसा क्यों किया, जबकि राजा महाराजा लोग बहुत धन संपत्ति देते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज है। तो उसके ऊपर जब डिस्कशन होता था ये पॉइंट था, तब मैंने कहा देखो इसका सार समझने के लिए आपको हमारे संस्कृति को और समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति समाज के प्रति संबंध ज्यादा दृढ़ करने के लिए था, ये अभी अभी जो ने कहा। इसमें क्या है पॉइंट, आप ध्यान दीजिए, आप सब स्कूलों में बच्चों को सब सुनाना इसको, क्या होता है, जैसा अभी बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, उसके घर से सब पैसा आ रहा है, घर के द्वारा ही मदद हो रहे हैं, मेरे माता पिता डोनेशन दे करके मेरे स्कूल में रखा हुआ है, खाना पीना रहना वहना सब मेरे घर से हो रहा है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, ऐसा जो बच्चा समझेगा उसको घर के प्रति अटैचमेंट तो खूब बन जाए, बोलेगा तो मेरे पैसे से माता पिता क्या, ये हमारे गुरु जी क्या करते, इनको तो ड्यूटी में लगा रखा है, इनको पैसा देके ड्यूटी में लगा रखा है, ये तो बोलते रहेंगे चिल्लाते रहेंगे हमें कुछ करना नहीं, हमें तो उसको देखना है, ये भाव रहेगा। अब क्या है, अन्न सबसे मुख्य होता है, हम कहते हैं ना हम उनका अन्न खाया है, ऐसे कहते हैं लोग में, लोग भाषा में बोलते हैं, तो अपने संबंध बनाने के लिए वो अन्न एक बहुत मुख्य चीज होता है। अब ये भी जो ब्रह्मचारी जो आएगा गुरुकुल में, उसको वहां कुछ सुविधा नहीं मिलता है, वहां सामान्य सुविधा रहने वहने की सुविधा होंगे और गुरुमादा जो होगी वो बना करके खिलाएंगे इत्यादि होगा, किंतु अन्न तो वो समाज में जा लेकर के आता, समाज में जाकर घर घर जाके मांग करके अन्न लेके आता है, वो अन्न खाता है और उसी से अपनी पढ़ाई करता है, सब कुछ प्राप्त करता है, और गुरुजी पैसा नहीं ले रहे उसको पता है, गुरुजी निस्वार्थ रूप से सिखा रहे हैं, तो दो चीज उसके मन में उसी समय बैठ जाएगा, एक तो मैं निस्वार्थ होना चाहिए, दूसरी बात ये जो समाज मुझे खिलाया पिलाया सिखाने के लिए ये को जो कुछ कर रहा है, मेरे जीवन इस समाज के लिए होना चाहिए, इसीलिए वहां से निकलने वाला ये नहीं सोचेगा मेरे घर को पालना है, नहीं सोचेगा, यदि भी माता पिता घर में है सेवा करेंगे बात अलग है, किंतु उसके अंदरूनी विचार हमेशा समाज के प्रति समर्पित रहेगा, क्यों, जिसका अन्न खाया है उसके प्रति हमारी कृतज्ञता स्वाभाविक बन जाती है, केवल हमारी नहीं है प्राणियों को भी बन जाती है, अब बिल्ली कुत्ता वगाही आदि को आप किसी को भी खिलाओ, खाने के बाद हमारे प्रति उनका संबंध बन जाता है, ये है उस वक्त जब मैंने ये बात कहा उनको आश्चर्य हो गया,
कितने उन्होंने गहराई से सोचा। मैंने कहा कि ये ऐसे ऋषि जो ऋषिकुल में जो गुरु लोग थे वो कोई ऐसे तो नहीं थे कि उनको कोई द्वेष था बच्चों के साथ, बच्चों को इतना प्रेम करते थे अपने बालक जैसे उनको घर में रखते हैं, वो क्यों भिक्षा में भेजा होगा, क्यों उनको ऐसे परेशानी करने के लिए भेजा। यहाँ तक आप कृष्णा और सुदामा की कथा भी जानते हैं, लकड़ी भी लाना पड़ता था, ये भी करना पड़ता, सब करना पड़ता। ये है, इसीलिए हमारे संस्कृति अभी तक चल रही थी, हमारे संस्कृति में यह सब इसलिए था। अभी करप्शन की बात कर रहे, ये सब उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि समाज के प्रति किसी के वो भाव नहीं, स्वाभाविक नहीं है, बनावटी है, सिखाया जाता है किताबों में, सिखाया जाता है स्कूल में, लेक्चर देते हैं, कुछ नहीं होता है। क्यों? वो सुनने वाला बच्चा जानता है कि ये टीचर को पैसा दे करके बिठा कर रखा है, ये यदि हम नहीं सुनने के लिए हम विद्यार्थी बैठेंगे तो उसकी नौकरी चले जाएगी, इसलिए वो सिखाना उसका काम है। हम पढ़े ना पढ़े वो कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारे माता पिता डोनेशन दे रहे हैं इसलिए ये सिखा रहे। अब वो किसके प्रति उसकी आसक्ति रहेगी? घर के प्रति रहेगी। वो बाहर निकलेगा, नौकरी करेगा, इधर उधर नहीं देखेगा, करप्शन वरप्शन कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता उसको, वो सीधा पैसा कमाएगा, घर में देगा और अपना घर जमाएगा, उसको करेगा। किसी भी हालत में यहां तक टैक्स भी नहीं देता, टैक्स तो सरकार को देना है, वो समाज के लिए काम आएगा, वो भी नहीं देता, उसको भी काट के अंदर डालता। तो ये है, ये कणाद ऋषि के जीवन से हमको ये मालूम पड़ता है कि वो कैसे तपस्या से इस तत्व को प्राप्त किया और हमको इस प्रकार से अपने सामने रखा। तो ये हम इसी संदर्भ में कहा, क्योंकि आज हम इसमें ज्यादा प्रवेश नहीं कर रहे, डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, और बेसिक कुछ चीजें बताना है उसमें ही है, और ये सांगे जैसा विस्तार नहीं है, कल संक्षेप में इसको सुना दे। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं।